ये देखिए कितनी जबरदस्त हमारी सब्जी बनी है, और इसको देख के ही आपका मन ललचेगा, इतना टेस्टी हमारी सब्जी बनी है, बहुत जबरदस्त लगती है, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति मुटकुरे, वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं झुनकी तोरई की मसाले वाली सब्जी। बहुत स्वादिष्ट ये सब्जी बनती है, और ये जो तोरई है फ्रेंड्स, ये इसी साइड में मिलती है, इसके इससे बड़ी साइज नहीं आती है, इससे बड़ा साइज अगर आता भी है तो ये थोड़ी सी मोटी होती है, तो ये साइज की ये हमें ये तोरई मिलती है। तो हमने ये तोरई लिया है, आधा किलो के करीब हमारा, हाफ के जी हमारी ये तोरई है, विग गोट के भी नाम से जाना जाता है इसे। उसे हमने एक प्याज लगेगा छोटा साइज का, हमने अनियन लिया है स्मॉल अनियन, और उसके बाद में हमें कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया लगने वाला है, दो टमाटर का पेस्ट है टू टमाटो पेस्ट वो लगेगा हमें, ये है क्यूमिन एंड मस्टर्ड सीड, राई जीरा लगेगा, उसके बाद में हमें सेसमे सीड में तिल लगेगा, ये है हमारा ड्राई कोकोनट क्रश, जो हमारा सूखा नारियल होता है उसका ये क्रश है, उसके बाद में हमें जीरा मीन्स क्यूमिन लगेगा, पीनट यानी कि मूंगफली, रेड चिली पाउडर मीन्स लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद में हमें गरम मसाला लगने वाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट लगेगा, सॉल्ट यानी कि नमक लगेगा, फेनल सीड यानी कि सौंफ लगने वाली है, और ये है धनिया जीरा पाउडर मीन्स अपना क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर। तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, मैं उसका लिंक आपको इसमें आई बटन में दे दूंगी। उसके बाद में टर्मरिक यानी कि हल्दी लगेंगी, ये हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिए, थोड़ा सा कलर इससे बहुत बेहतर आता है इसके लिए, और थोड़ी सी हमें कसूरी मेथी मीन ड्राई फेनिग्री लीफ। तो इसे बनाना बहुत आसान है, इसे बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करके मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पे देखिए। सो फ्रेंड, मेरी इजी टू मेक एंड टेस्टी टू इट रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये जो तोरा ये फ्रेंड्स, इसकी साइज ये होती है, और अगर ज्यादा से ज्यादा बड़ा होगा तो वो थोड़ा सा इतना बड़ा साइज का मिलेगा आपको, बस ये साइज में ही ज्यादातर आती है, और ज्यादा बड़ी रहेंगी तो वो जट्ठर रहती है, अंदर से उसमें कड़े बीज रहते हैं, तो ये कौले टाइप की रहती है, इसे ही लेना पड़ता है। तो इसको हमने छील लिया है, तो इसको मैंने छीला इस तरह से कि ये पूरी तरह से ना छिले, बस इसको हमने इधर से थोड़ा सा रखा, इधर से थोड़ा सा उसका छिलका, इसका छिलके के साथ में भी आप इसे बना सकते हो, और इसको मैंने बीच में से ऐसा कट कर लिया है, ये देखिए सेंटर से ऐसा हमने कट कर लिया, ताकि जो भी हम इसको फ्राई करें तो इसका मसाला पूरा हमारे इसके अंदर जाना चाहिए। तो अभी हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स को हमें ये करना है, उसमें फ्राई करना है और फिर इसका मसाला बनाना है। फ्रेंड्स, अभी इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कि हमने क्या करना है, कुछ हमारे जो इंग्रेडिएंट्स है उसे हमें थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है, तो पैन में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून पीनट, 1 टेबल स्पून ही हमारे ये मूंगफली के दाने हैं। अब इसे हमें थोड़ा सा अच्छे से भूनना है, ये स्वादिष्ट सी बनती है, साइज इसका छोटा जरूर होता है लेकिन बहुत जबरदस्त ये सब्जी बनती है, तो आप इसे जरूर ट्राई करके देखना, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इससे आपको बनाने में काफी आसानी होंगी। जैसे मैं आपको बोलती हूँ ईजी टू मेक एंड टेस्टी टू, वैसी ही मेरी रेसिपीज होती है, बहुत ईजी वे में बताती हूँ, और पूरे होम इंग्रीडियंट्स में ही मैं बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। चलिए अभी हम भून लेते हैं। अब इसके साथ में चले जाएगा 1 टीस्पून भर के हमने जीरा लिया मींस क्यूमिन सीड, इन्हें हमें अच्छे से रोस्ट करना है। अब इसमें चले जाएगा हमारा कोकोनट पाउडर, तो ये 1 टेबल स्पून हमने ये लिया है कोकोनट, इसमें अगर आपके पास में कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप नारियल का टुकड़े को काट के भी डाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ही लिया है मैंने, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वो भी सब लेना है। अब इसमें चले जाएंगे 1/2 टीस्पून सौंफ मीन्स फेनल सीड, और 1/2 टीस्पून सेसमे सीड मीन्स तिल, इन सबको हम अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। गैस का पावर बंद करते हैं, काफी अच्छे से भून चुका है, अब इसे हम ठंडा होने देते हैं और इसको ग्राइंड कर लेंगे। अभी हमें इसे ड्राई ग्राइंड करना है, पहले से हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे ड्राई ग्राइंड कर लिया, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया, इसमें पानी ऐड करते हैं और इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखिए हमने पेस्ट तैयार कर लिया, थोड़ा सा पानी ज्यादा हो गया, कुछ नहीं होता इससे, लेकिन ये थोड़ा सा गाढ़ा सा रहे तो और भी अच्छा, लेकिन थोड़ा पानी ज्यादा हो गया कुछ नहीं होता उससे। हमने एक पैन लिया है,
पैन में मैंने एक बड़ा चम्मच ऑयल डाला, ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो इसमें हमारी तोरई को हम थोड़ा सा फ्राई करके निकालेंगे। हमने ये जो ग्रीन वाला पार्ट हल्का सा रखा है, इसका कारण ये है कि ये पूरी तरह से एकदम गलेंगी नहीं, इससे हल्का सा पकड़ रहेंगी तो हमारी तोरई का टेस्ट भी बहुत जबरदस्त आता है। तो ये वैसे तो कोई कोई निकालते भी नहीं है, इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप लोग। और इसकी जो छिलका होता है, इसका भी एक ठेका बनता है बहुत जबरदस्त सा, तो मैं वो आपको कभी दिखाऊंगी। पहले अभी हम इसको कर लेते हैं, अब इसको हम फ्राई करेंगे। अभी इसको हम हल्का हल्का कलर आते तक फ्राई करेंगे, एकदम ज्यादा भी हम इसे फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसको हमें मसाले में पकाना है। अब हमारी ये झुनकी तोरी फ्राई होने में आ चुकी है, तो अब इसे हम निकालेंगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी जो तोरई है बिल्कुल भी ऑयल को सोक नहीं करती। जैसे तोरई हो गया, कुमड़ा हो गया, लौकी की सब्जी होगी, इनमें ऑयल हमें लगता ही नहीं है, बहुत कम ऑयल में हमारी सब्जी बन जाती है। तो अभी देखिए, हमने जितना तेल डाला था उतना ऑयल हमारा इसमें बचा हुआ है, तो अभी इसे हम निकाल लेंगे। इसका पूरा ऑयल हमें निकाल के इसे निकाल लेना है। चलिए, अब इसमें हमें डाल देना है 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून जीरा, मीन्स 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड और 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड, ये चले जाएंगे इसमें। इसे हम होने देते हैं अच्छे से। अब इसमें हमने एक छोटी सी प्याज ली थी, वो डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, मीन जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हमने जो पेस्ट बना के रखा था उसे डाल देते हैं। थोड़ा पीसते वक्त हल्का सा पानी ज्यादा हो गया था, अब इसको हम भून के थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। इसे हम अच्छे से भून लेंगे तो ये ड्राई भी हो जाएगा। थोड़ा सा पानी ज्यादा होने की वजह से ये थोड़ा गीला हो गया मसाला, हो जाता है कभी कभी। अब इसे अच्छे से भूनेंगे हम। अब हमारा मसाला भी ऑयल छोड़ना शुरू कर रहा है, तो अब इस पीरियड में हम डाल देंगे इसमें हमारी लाल मिर्च पाउडर। तो हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च, देखिए तीखा आप अपने अकॉर्डिंग ही डालना, हम थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं इसकी वजह से मैं इसमें थोड़ा सा ज्यादा डालूंगी। हम नागपुरी है, हमारे यहाँ पे तीखा हमको पसंद आता है। इसमें हम रेड चिली पाउडर डाल दिए। अब ये जो कश्मीरी है मिर्च, तो ये मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि इससे कलर बहुत जबरदस्त आता है। धनिया जीरा पाउडर है तो ये 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ क्योंकि हमने 1/2 किलो हमारी तोरी ली है। 1/2 टीस्पून टर्मरिक मीन्स हल्दी, गरम मसाला हमने 1 टीस्पून भर के लिया है, 1/2 अभी डालेंगे, 1/2 लास्ट में। और इसे हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल के अच्छे से भून लेंगे। चलिए, अब इसमें हमारा टमाटर का हमें पेस्ट डालना है, तो हमने 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज के, उसका ये पेस्ट है। अब इसे हम भूनेंगे जब तक कि ये ऑयल ना छोड़े, हम धीरे धीरे कम आंच पे ही इसे हमें भूनना है। अब क्या करेंगे, हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, तो हमारा यानी टमाटर डाला है तो जल्दी गल जाए, इसके लिए टमाटर अच्छी तरह से उसमें मैश हो जाए और जल्दी ऑयल छोड़े, इसके लिए हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। तो नमक हम थोड़ा सा कम ही डालेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये जो है तोरी दिखती बहुत है, 1/2 किलो में देखिए इतनी सी दिख रही है अब ये भून, इसलिए उसकी ग्रेवी भी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसको हम हिसाब से ही डालेंगे और लगेगा तो हम बाद में डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर देते हैं, गैस का पावर स्लो रख के ही हमें इसे फ्राई करना है। अब इसे हम ढक देते हैं और इसे धीरे धीरे फ्राई होने देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाला अच्छे से भून जाए। तो हमने हमारे मिक्सर पॉट में जो पीसा था उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, और देखिए हमने इसमें 2 से 4 टेबलस्पून करके पानी डाला है।
इससे मसाला भी भून जाएगा और हमारा जो ये मसाला ये ऑयल भी छोड़ने लग जाएगा। मसाला जब तक भुनेगा नहीं तब तक ऑयल नहीं छोड़ेगा, इसलिए गैस का पावर कम ही रखें और अब इसे हम धीरे धीरे होने देते हैं। चलिए अब हम हमारे मसालों को चेक करते हैं। देखिए कितने अच्छे से हमारे मसालों ने ऑयल छोड़ दिया, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से पकने में आ चुका है। तो अब इस पीरियड में हम इसमें डाल देंगे हमारी तली हुई तुरई। तुरई में बहुत पानी होता है, अब इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी। तो इसे हम थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। मिक्स करेंगे। अब इसे हम ढक देते हैं और इसे हम पकने देते हैं। चलिए देखिए कितने अच्छे से इसने मसाला को लपेट लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। आपको कैसा बनाना उसके अकॉर्डिंग, आप थोड़ी सी लटपटा बनाना है, हल्की सी ग्रेवी वाली बनाना है, आपको सूखी बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है क्योंकि हमारी तोरई हाफ डन थी। अभी मसालों में हमने बहुत कुछ भून चुके हैं, अब इसका सिर्फ थोड़ी देर और होने देते हैं। चलिए 10 मिनट के करीब हो गए हैं और देखिए हमारी सब्जी कितनी जबरदस्त तैयार हुई। अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो इसे आप और भी ड्राई कर सकते हो। तो अभी इसे हम मिक्स कर लेंगे। रोटी और चपाती के साथ में खाने के लिए ऐसी ग्रेवी तो जरूरी है। ये देखिए कितनी गजब की ग्रेवी बनी है और ये हमारी तोरी भी काफी अच्छे से पक चुकी है। देखिए फ्रेंड कितनी जबरदस्त हमारी सब्जी बनी है। अब इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। और एकदम थोड़ा सा हम गरम मसाला ऐड करेंगे, चुटकी भर ही डाला है। अब गैस का पावर बंद करते हैं, इसे मिक्स करते हैं और सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। सब्जी तो ऐसी गजब दिख रही है फ्रेंड्स कि मैं आपको क्या बताऊं, उसका स्वाद भी बहुत जबरदस्त होगा। ये देखिए कितनी जबरदस्त हमारी सब्जी बनी है और इसको देख के ही आपका मन ललचेगा, इतना टेस्टी हमारी सब्जी बनी है, बहुत जबरदस्त लगती है, खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। फ्रेंड्स आप इसे जरूर ट्राई करके देखिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो के नीचे की लाइक के बटन को क्लिक कीजिए, मेरी इस वीडियो रेसिपी को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड्स आपको मेरी पिछली वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए और मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड वंस अगेन प्लीज प्लीज गिव लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच।